मार्केट में जहाँ पे एलईडी लाइटिंग झालर सब बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, इलाहाबाद की इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी मार्केट। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं कि एमटी और खाने का कोई सामान नहीं दिखाने वाले। आज हम आपको दिखाने वाले हैं थोक विक्रेता लाइट्स के। गली देख रहे हैं ना पूरा अंदर, सब जगह पूरी सब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान है। शाहगंज में चौक, तो जब चौक में आप आएंगे ना तो आगे पीछे देखिए ये ना सुलभ कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने शाहगंज वाली मार्केट है और इसमें अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान मिल जाएंगे। दुकान बहुत छोटी छोटी है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी गली में जो लाइट वाला बेचता है ना वो यहीं से लेके जाता है, मतलब यहाँ थोक विक्रेता है, लेकिन आपको फुटकर में भी सामान मिल जाएगा। तो आइए आपको दुकान दिखाते हैं, कुछ नई लाइट आई होगी तो वो भी बताएंगे और कॉस्ट सुन के आप हैरान हो जाएंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। आपको 1300 दिवाली में लाइट वाला काम होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक से सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। पचास की है भाई, ठीक है। और ये सब लाइटें कितने की है? या फिर 40-40 यहाँ से थोक वाले ले जाते हैं। भाई अभी अंदर भी बहुत दुकान है, ये स्टार्टिंग वाले हैं, ये थोड़ा महंगा भी देख लेते हैं। मार्केट स्टार्ट होती है जब हम लोग इलाहाबाद आते हैं, जहाँ मार्केट स्टार्ट होती है वहाँ सामान ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के सामान लेते हैं। आ जाइए, बहुत बड़ी मार्केट है सागर। आप यहाँ से देख ही रहे होंगे, मतलब लाइट वाइट तो छोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान मिल जाता है। और दिवाली में तो ये हाल रहती है, अभी तो हमारे समझ लीजिए आज 17 तारीख है ना, 24 तारीख तक तो ये हाल हो जाएगा, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहेगी, पूरी जगह से लाइट वाला झाला वाला सब हो जाएगा। ये पुराने समय वाली झाला रहेगी, ये पहले हम लोग लगाते थे, लेकिन अब एलईडी वाली ये वाला सिस्टम चलने लगा है, ठीक। पहले ये वाली मिलती थी भैया, ये वाली का क्या रेट रहता है? 1100 की झाला रहती है, 1200 रुपए। ये एलईडी लाइट में है कि बल्ब में है? ना जो आती थी एलईडी लाइट वाली, तो स्टार्ट के हम तो सुने आगे तो बढ़ने दाम घटता है, बढ़ने लगा क्या? अच्छा ये 60 की है, ये 60 का एक भी लेंगे तब भी 60 का, थोक में लेंगे तब भी 60 का, सबके लिए उतना ही रहेगा। ये 60 रुपए का है। और ये वाला भैया बड़ा वाला, तो ये 60 मीटर की झालर है, आप अपने मोहल्ले वाले में लोगों को तो 280 की तो नहीं मिलेगी, यहाँ 280 के। अच्छा ये बताइए मोल भाव करने कम हो जाता है? नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, मोल भाव नहीं होता एकदम से, आगे बढ़ा के बताएंगे तो कम कर देंगे। 260 का है ये, और 15 मीटर की झालर है भैया? नहीं ये 60 मीटर, सॉरी यार भूल गए, 60 मीटर की झालर है। बहुत ढेर सारी वैरायटी झालर क्या, ये बल्ब वाली है एलईडी वाली है? इंडियन है ये इंडियन वाले भी एलईडी है? ये इंडियन है, उसमें भी एलईडी है। ठीक, वो भी मिल जाएगी। ये कौन सी एलईडी है? वाटर प्रूफ है। अच्छा ये सेम लाइट है, कुछ अलग लाइट हो आपके पास? कितने की है भैया? 260 की। भाई देखो यहाँ पे क्या होता है ना, थोक मार्केट है तो सब जगह रेट एकदम सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। यहाँ से आप आगे से पूरा चीज़ भेजा तो चले जाओ, सब जगह रेट एकदम सेम ही मिलेगा। और ये 101% जान लो कि 260 में आपके मोहल्ले में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं पूरा है, आ जाइए दुकान, बहुत ढेर सारी है। ये मेन वाली गली है, अंदर भी बहुत ऐसा दुकान है। भाग गए आगे, लेकिन जैसे जैसे अंदर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दुकान की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, लाइट की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, वैरायटी भी बढ़ती जा रही है। कुछ
कुछ अलग दिखा। ये कौन सी लाइट है? ये फूल वाला लाइट है। ये कितने की है? 120 रुपये। ये मंदिर उंदिर में लगाने के लिए यूज होती है। ये 120 रुपये की इतने आगे हैं। गेट या मंदिर? गेट या मंदिर पे लगाने के लिए। अरे यार ये तो बड़ी सही चीज़ है यार। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये अपने गेट पे लगा सकते हैं आप। कांच का है ना ये? ये क्रिस्टल बॉल है। क्रिस्टल बॉल है, मस्त लग रही है। ये कितने की भैया? ये 150 की। क्रिस्टल बॉल है गेट पे सजाने के लिए। ठीक है, तो वैरायटी तो अलग है थोड़ा। एक ये है, एक ये वाली देख लीजिए, ये भी थोड़ी अलग है। तो ये भी 120 की लगभग होगी। ये बटरफ्लाई बना हुआ है, तो गेट या मंदिर में सजाने के लिए सब साठ 120 रुपये की। ये वाली भैया 150। भाई आपके पास लाइट की वैरायटी बड़ी अलग अलग है। तो नॉर्मल वाली भी है। ये कितने की है बता दीजिए, मतलब जिससे पता रहे। 280 की। ये 250 280। रेट एकदम फिक्स है, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, कोई मोल भाव नहीं होगा। पूरी वहाँ तक ये मतलब एक एक मिलेगा ये। हाँ ये पर पीस कितने की है? एक है 70-80 रुपये का। अच्छा वो लड़ी वाला लगाए हैं कितने का? ये आपको अलग अलग बाकी अलग अलग तरीके की वैरायटी है। ये देखो, ये सब दुकान उकान जाने के लिए मंदिर उंदिर जाना। मंदिर हो गया, जैसे आपका कुछ पैसे जितना अच्छा हो उस हिसाब से लगाने उस हिसाब से। ये सब है, जैसे ये सब पैसे के हिसाब से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, या कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है जैसा पैसे। उसका भी बॉर्डर वगैरह बॉर्डर पे आप बॉर्डर लगा दिए, सिंगल गिरा दिया। हर लाइट का अलग अलग फंक्शन है। जैसे ये पानी वाली भी है, पानी भी जलती है। पानी भी डाल देंगे, जलेगी। अरे वाह, यार पानी वाली दिया देख लेते हैं। बहुत भाई लोगों को वही दिखाने, मार्केट में क्या अलग अलग आया हुआ है। क्योंकि अपने पास कैंडल है, सेंसर पे हिलती रहेगी उसकी दिया। ये कैंडल है, सेंसर पे हिलती रहती है। क्या नाम है आपकी दुकान का? महावीर साउंड। जैसे आप थोड़ा अंदर आओगे तो अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा दिया, थोड़ा सा आगे महावीर साउंड है। इनके पास भी मतलब जो नॉर्मल लाइट है वो तो मिल ही जाती है सबसे। हाँ। उसके अलावा भी अलग वैरायटी की लाइट है। तो साठ सीटर वाली वो कितने की रहती है? 280। पानी डाल दिया, पानी से जल गई। तो मतलब ये पानी से ही जलती है, तेल नहीं डालना पड़ता। दिवाली में तेल का काम करता हूँ। दोनों अर्थ में जुड़ जाते हैं पानी डालने से, बैटरी से इसलिए जलती है। धन्यवाद। पानी से जलने वाला दिया भी दिखा दिया आपको। पानी जब तक रहेगा तब तक आपको चलते रहेगा। कितने की है ये? 80 रुपये का। 50 की है, खरीद लो, 5-7 दिवाली चलेगा। इसको खरीद लीजिए, 5-7 दिवाली चलाइए पानी भर भर के। भाई बहुत सही, कुछ अलग दिखाइए। और भी कुछ अलग चीजें हैं? जैसे ये क्या चीज़ है? ये रूम लाइट के लिए। अच्छा, रूम के लिए लाइट भी काम करता है, मंदिर उसके लिए भी काम करता है। चलिए, तो फिर हम इनके पास से भी आपके अब दशहरे की लाइट, सॉरी दशहरा तो चला गया, दिवाली की, दिवाली की झालर और लाइट ले सकते हैं। और भी दुकानें दिखाने वाली लाइट नहीं है, स्प्रिंग में है। देख रहे हैं क्या मस्त लाइट है यार, ये देख रहे हैं, बहुत सही लग रही है। गेट में सजाने में मस्त लगेगी। ये वाली लाइट देखिए आप, ये भी गेट में सजाने के लिए थोड़ा अलग है। मतलब गेट वाली लाइटिंग देख रहे हैं यहाँ पे कितनी मस्त लग रही है। ये वाली लाइटिंग देखिए, ये क्रिस्टल वाली तो मैंने आपको दिखाई, क्रिस्टल वाली ये भी है, ये भी क्रिस्टल वाली है। और ये सब गेट, ये सब आप लेने जाओगे ना अभी 200-200 रुपये की मिलेगी आपको अपने मोहल्ले में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, अभी पूछेंगे आपको दाम, पूछेंगे आप खुद शौक रह जाओगे। लेकिन रेट आपको लगभग सब जगह कोप वाला ही मिलेगा, वही वाला। लेकिन आपको गली से आधा रहेगा, ये पक्का है। आपके चौराहे गली में जितने मिलता है उसका आधा रेट मिलेगा। आप अंदर देख सकते हैं। ये बता दें नाम कितना रहता है सबका? बिल्कुल, ये इसका नहीं क्या रहता है ये पूरा झालर का? ये 140 का, 1, 2, 3, 4, 5,
सभी 140 की है जी। अरे यार बढ़िया, गेट रोड में सजाने के लिए काम आए हैं ये, बहुत मस्त लग रही थी। ये पूरा स्टील में है, ये स्टील है, ये कॉपर है, कॉपर में है यार, सब बहुत मस्त है। गेट रोड में अगर किसी सजाना हो ना तो यहाँ आके ले जाओ, 140 बता रहे हैं ना जी सर, 140 के हैं ये सर। ये क्रिस्टल वाली लाइटिंग ये सब 150 की, ये सब 150 की है, ये 140 की, ये 150 की, बड़ा सही चीज़ है। ऊपर वाली 140 की, क्या मीटर रहती है ये? 15 मीटर। और ये 60 मीटर 250 की है, 60 मीटर 250 की है। दुकान का नाम है श्री बालाजी एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आपको गेट पे सजाने वाले काफी अलग अलग वैरायटी की चीजें मिल जाएंगी, और लाइट अभी और भी लाइटें आएंगी, अभी और सजेंगी धीरे धीरे। आगे बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट टाइप की लाइट दिखती जा रही है। बताओ कितने की है ये सब? ये कितने की है शिवम? 55 रुपए की पड़ेगी, ये 55 की पड़ेगी। अरे तुम मतलब बाहर से सस्ता है ये 5 रुपए? हमें चाहिए नहीं, हमें लोगों को दिखाना। देखो अभी पीछे से चले तो ये वाली लाइट 60 की थी, यहाँ आते आते 52 की हो गई है। ये 52 नहीं दे देंगे ना, ज्यादा क्वांटिटी में लेते तो एक लेने में ज्यादा, अगर और उससे ज्यादा लेके का दो पेटी लेंगे तो 50 की पड़ जाएगी। 50 मीटर वाली कितने की है? यार तुम्हारा काम सोच रही है, यही सेम चीज थी यहाँ, 190 की है ये, और 8 मीटर वाली 230। नाम बताओ अपना, कहाँ दुकान लगती है, किसके पास? पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है, और पीपल के पेड़ के नीचे इनकी दुकान है। यहाँ पे आके आप बहुत ढेर सारी तरीके से झालर ले सकते हो कम दाम में। बाकी जगह बाकी दुकान का नाम तो आपको बताई दे रहे हैं, वीडियो तो कहीं जाने वाली है नहीं, वीडियो तो पड़ी रहेगी। लौंडे को पहचान लीजिए, ये लौंडा यहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी अभी ये वीडियो में नहीं आना चाह रहा था, जबरदस्ती मैंने लिया वीडियो, ठीक है। तो आके यहाँ बहुत ढेर सारे झालर और ऐसे और कुछ सजाने के लिए झालर आप जैसे आप बड़े वाले, इसका एक पूरा छोटा छः बड़ा 250 का पेड़, बहुत सही है। ठीक ठीक, तो काफ़ी सस्ती दुकान है। अभी आगे और भी वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी। सुनो यार, मतलब हर जगह किनारे जाम ना लगाओ, जाम ना लगाओ। लौंडे के जस्ट सामने इधर भी, तो आप क्या ये वाली लाइट ये लाइट कितनी रहती है? 80 की एक पीस, एक पीस ही है। नहीं, ये पाँच पीस। कितने मीटर का रहता है? 10 मीटर का रहता है। अच्छा ऐसे रहता है, तार वाला है। जल्दी हाँ भाई सही से बताना, लोग आएंगे खरीदने, ठीक है। जो सही बताना, अभी नेवाड़ वाला कितने का रहता है? नेवाड़ वाले 75। कैसे लगाएगा ऐसी, कहाँ लगाते हैं? बॉर्डर पे लगाने के लिए। ये देखिए, ये इंडियन तार पे है, और थोड़ा लुक भी इंडियन वाला है। मतलब यहाँ बहुत वैरायटी की लाइट मिल जाएगी, एक दो वैरायटी की नहीं, हजारों वैरायटी की लाइट मिल जाएगी आपको। ये कितने का है बल्ब? 50 का है। तुम ये जान लो कि भाई जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो, ये जान लो कि जितना का तुम्हारे मोहल्ले में मिलता है उससे तो बहुत कम मिलेगा। आप रिटेलर आदि की बात से ले जाते हैं, जितने भी रिटेलर हैं सब यही सागर से ले जाते हैं, आप मोहल्ले में टेबल लगा के बेचते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट आइए, उनका मार्जिन खा जाइए माँ वैष्णो इलेक्ट्रिकल नाम से दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके सामान ले सकते हैं, आइए। और दुकान पीछे चले, यहाँ सबसे ज्यादा क्वांटिटी दिख रही है लाइट की, और वैरायटी भी बहुत ढेर सारी है। ये कितने की हैं ये सब लाइटें? 60 रुपए की सारी? नहीं, नीचे वाली और ऊपर वाली 300 की। ऊपर वाली 300 की है? अच्छा, 60 मीटर रहती है? हाँ 60 मीटर, 2-3 मीटर कम रहती है। 2-3 मीटर रहता है 60 मिनट, 2-3 मीटर कम रहती है। 2-3 मीटर कम रहती है।
ये तो मंदिर में लगती है, ये कितने की रहती है? 300 रुपए की, 20 मीटर है, 20 मीटर, 300 कॉपर का माल है, सब कॉपर है, कॉपर वाली। और ये सब एल्युमिनियम वाले हैं? नहीं, कॉपर ही है। अच्छा, कॉपर ही है। काफी कम दाम में आपको यहाँ बहुत ढेर सारी लाइटें मिल जाएगी। देखिए, दिवाली का बहुत ढेर सारा काम आपका कर दिया है मैंने, लाइट वेट वाला, लाइट वेट वाले झंझट अगर आपको पालन नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ आ जाइए। बहुत ढेर सारी वैरायटी की लाइट, लगभग दाम सब जगह सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। बहुत 60 चले, बहुत 50-52 तक पहुँच पाए, अभी ज़्यादा वेरिएशन नहीं। देखिए, कहीं कॉपर और सिल्वर वाला अंतर हो जाए तो ऐसे नॉर्मल अंतर नहीं होता है। ये सागर वाली जो मार्केट है, ये तो लाइट वाली मार्केट है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, ये कट है आगे, लगभग आधा किलोमीटर आगे आ जाएंगे, वहाँ सागर वाले मोड़ से आगे अंदर मुड़ेंगे, ठठेरी बाजार है, वहाँ पे बर्तन मिलता है, वो बर्तन की थोक मार्केट है। क्या भैया, ठठेरी बाजार में सिर्फ बर्तन मिलता है ना, तो धनतेरस में अगर बर्तन वर्तन लेना तो ठठेरी बाजार वाला ऑप्शन है। अब ठठेरी बाजार में अभी इस समय जितना वो नहीं होगा, अभी धनतेरस से एक आध दो दिन पहले एकदम भयंकर आ जाएगा, और आपका बर्तन वर्तन, लेकिन पैदल ही आना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा। सागंज में लाइट वाला माहौल अभी शुरू हो गया, क्योंकि थोक वाला काम है, इसलिए सागंज में लाइट वाला माहौल शुरू हो गया। इसलिए हमने आपको दिखा दिया कि लाइट का सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आपके जो मोहल्ले है उसमें मिलता है उसका आधे का मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से ले जाते हैं वो लोग। एक बाकी ठठेरी बाजार की रोड आपको ये दिखा देते हैं। पीछे सागंज वाली रोड है, ठीक है, सागंज वाली रोड से आप थोड़ा सा आगे आएंगे, लगभग आधा किलोमीटर अंदर लगता है, जब पैदल चलेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, ऐसे आधा किलोमीटर है। आने के बाद आप लेफ्ट घूम जाइएगा, अंदर जाएंगे तो ठठेरी बाजार है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्तन का सामान मिलता है, मतलब बर्तन ही मिलते हैं। तो धनतेरस में यहाँ से आप बर्तन ले सकते हैं, तो धनतेरस और दिवाली में लाइटिंग और बर्तन वाला काम हमने यहाँ पर कर दिया है।